हेलो फ्रेंड, ये अपन लोगों ने पुदीना रखा था, हरा पुदीना अच्छे से धुल के 3-4 बार और फ्रेश जो डंठल थी उसी में लगा हुआ रख देते हैं। 3 दिन पंखे में सूखता रहा तो जब ये बिल्कुल सूख गया है फिर अब ये धूप में रख दिया है, इसको कवर करके चुन्नी से, तो इसका हरा कलर है ना जो पुदीना धनिया का वो वैसा ही रहता है, इसलिए ढक के ही सुखाना है इनको। और जैसे 2-3 घंटे में अगर कोई चीज आप सुखा रही हैं तो वो फिर साल भर नहीं चल पाती, इसलिए धूप बहुत जरूरी है। और देखिए तुरंत ही बाहर से लाके तुरंत ही कंटेनर में भर देना है, जिस चीज में भी आपको डिब्बे में भरना है, क्योंकि वो अंदर ऐसे आप प्लेट रख देंगे तो फिर से नमी आ जाएगी। अंदर तो पंखे वगैरह चलते हैं, बाहर का टेम्परेचर अलग है, तो तुरंत ही कोई भी चीज आप पापड़ उठाए, धनिया या मिर्च कोई भी चीज उठा रही है तो वो तुरंत ही डिब्बे में भर लें। डिब्बे पहले से रेडी करके रखें, साफ सुथरे करके डिब्बों में भी थोड़ा 10-5 मिनट की धूप दिखा दें कि वो सूख जाए। तो नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू। कई जगह पुदीना कई जगह जैसे अपन चाट मसाला भी बनाते हैं जब भी, तो ये पुदीना डालना होता है। और जब कच्ची कैरी का भी बनाएंगे कुछ भी कोई रेसिपी है तो अगर पुदीना जरूर आता है पुदीना डालना, तो ये फ्रेंड अच्छे से रहता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। उसी टाइम पे तुरंत निकाली 4 पत्तियां ऐसे क्रश करके हाथ में, जैसे ये है जिस भी रेसिपी में डालना आपको, ऐसे ऐसे क्रश करके डाल दिया। डंठल हटा देना अभी फ्रेंड, जब इसमें भरेंगे डिब्बे में, अभी हटा रहे हैं डंठल सबकी। नमस्कार फ्रेंड्स।